वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज हम लोग एक स्पेशल प्रेयर अटेंड करने वाले हैं, जो कि है माँ मरियम की बर्थडे। आज है 8 तारीख और मरियमाबाद में भी आज के दिन सेलिब्रेशन होता है, माँ मरियम की बर्थडे सेलिब्रेट होती है। तो आज हम, क्योंकि वहाँ नहीं है, कराची में है, तो हम जा रहे हैं फिर से आज कैंट चर्च। साथ बनाया सुल वॉच करना, घर पर भी इबादत है, वहाँ पर भी है, तो वहाँ से इबादत करके फिर घर आएंगे। तो साथ बनाया सुल वॉच करना, पापा रेडी है, मम्मा रेडी है, बस हम लोग अभी निकल रहे हैं। और आप लोग भी ये सोचते होंगे कि जब घर से निकल रहे होते हैं तभी क्यों व्लॉग स्टार्ट करती है, पर क्या करूँ कि मेरे काम फिर ख़त्म नहीं होते, जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने होते हैं और फिर निकलना होता है। तो बस चलते हैं, साथ बनाया सुल वॉच करना। बुका जी कम हियर। सो ये आज हमारे साथ ये भी जा रहा है। वाह वाह, रेडी है, जा रहा है, हाय कर दे। तो मामा भी यहाँ रेडी है, पापा भी रेडी है, तो बस रूम लॉक करते हैं फिर निकलते हैं। हम लोग तो पंजाब गए नहीं, पर रास्ते में हमें ट्रेन ज़रूर मिल गई शहर जाते जाते। यसु मसीह की पैदाइश शुरू हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस से रामदा पाड़ी गई। तब उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर काम में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ, दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है, और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो, कि देखो कुमारी हामला होगी और
और उससे बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। याद करते हैं जैसे कि तारुफ में हमें बताया गया कि लतूरियाई साल के दौरान बरकत बख्शी, खसूसी तौर पर पोप फ्रांसिस, तमाम बिशप साहिबान, काहिन साहिबान, सिस्टर साहिबान और मुबशिरान अंजील को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ कि मेहरबान खुदा सारी दुनिया पर अपने रहम और सलामती को हाजिर रखें, खसूसी तौर पर हमारे ख़ानदानों को अमन सलामती का गहवारा बनाए। अजीजों, दुआ करें। है खुदावंद हमारी दुआ सुन।
करते हैं, पूरी कलीसिया ख्वाहिश रखती है कि आपसे बरकत हासिल करें। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ बैठा हर एक फर्द, बड़ा या छोटा, बुजुर्ग, उनका नाम सुना है, अल्लाह के अभी दुबई से वो शो करके आई थी ना। अच्छा, उधर कॉल आई आईओ पे है ना, उसके शोर का एक्सीडेंट हुआ था। वो कह रहे किसी ने दस पास्टर ब्रोच के लेवल है, वो हेल्प करता है। अच्छा, वो आ गई, क्या उन्होंने भी उनको बोला? एक भैन पता नहीं कि भैन रस गया कि नसरीन से, उन्होंने बोला उसको नाजमाबाद को, क्या आप उनके घर पर जाए? अच्छा, मेरे घर पर आई तो दोपहर भाई शमौन भी था, तो मैंने कहा जी बहन आप बोल, कह रही भाई जी कुछ नीट चाहिए, मैं हेल्प चाहिए। मैंने बोला बहन अभी तो एक सप्ताह भी गुजरा, उन्होंने जितने साथ सब था वो हमने क्या किया, प्रोवाइड कर दिया, सबको दे दिया। अभी आप क्या कहती हैं? मैंने बोला आप खुद आ रहा है, आप उसमें आ जाना, जो खुदा में कहेगा वो प्रोवाइड करे। मेरे पास किराया नहीं, फिर हमने जो हर कुछ उसको किराया दिया उसको, वो क्या हो गई चली। मैं देखता हूँ, कह रही मैं बड़े का चर्च में गई, मैं पादरों के पास गई, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं है। कितने लाके जाने की दौलत इतने पादरिया भी कह दिया, आप लोग नहीं कह रहे पादरियों कह दिया, कितने पादरिया लैके जाने के। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हाथ जोड़ के आप लोग जाने एक खुदा के वास्ते उनके लिए मदद करो, जो करें उस खुदा लोग आते हैं आपके पास उनकी मदद करो। एक ईसा नगरी का चर्च नहीं है बहन, कितने चर्च है ईसा नगरी का? बेशुमार चर्च है, चश्मा पाया उन्हें, अप टू डेट होया है, आगे उनसे आगे चेयरमैन साहब मिले, चेयरमैन साहब मिलूंगा, चेयरमैन साहब मिले तो क्या बाद चुनू मिले चेयरमैन साहब संडे वाले दिन ही। सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान की होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, तीसरा कर वक्त है तुम्हारे कर्ज में वक्त, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। अब हमारे खुदा जिसका का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, तमाम मुतसिलों के साथ इबादत खत्म हो चुकी है, घर वाले भी इबादत खत्म हो चुकी है और सब अब एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो अब हम भी सबसे मिलते हैं। अभी तो फिलहाल जॉइस थी, जॉइस से गॉसिप हो रहा था, कुछ प्राइवेट वाला गॉसिप हो रहा था। तो हमारे पास्टर्स ये थे आज के हमारे मैसेंजर, और ये यहाँ आज मोटी भी हमारी आई हुई है, और बाकी ये कह रहे थे आज मुझे व्लॉग में नहीं लेना, ये सारे हमारे बच्चे पार्टी हाय। तो ये भी वर्शिप वाला, ये कितने गटरा है, गटर के अंदर सोलह नंबर गटरा से ही आए हुए हमारे पास पास्टर, मुझे जगह का नाम नहीं पता, हाय कर दिया हमारे हाँ पास्टर ब्लोच मसीह, ठीक है ना। तो ये हमारे पास्टर है, आज हमारी मासी भी आई है, खाला मतलब मेरी, और मेरी पुप्पो भी आई है। ये दीदी कितने अच्छा आ रही है, दिखना ही मेरे उधर टेक लानी है, हाय कर दे ब्लॉग से, हाय हाय। को मैं एंड ही नहीं कर पाई थी, और आई होप कि आप लोगों को कल का वो भी लोग इबादत का बहुत अच्छा लगे। डू लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे व्लॉग के साथ, मतलब के पोमी के बर्थडे के व्लॉग के साथ, तैयार तो हो चुकी हूँ, और उसके बाद अब चेंज करेंगे और फिर चलेंगे। आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों की इबादत का पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और आने वाले व्लॉग को भी स्टिल वॉच करना। मुझे पता है वो व्लॉग तो आप लोग उस व्लॉग में तो प्यार देने ही वाले हो, पर बाकी व्लॉग्स पर भी इसी तरह से प्यार देते रहना, बने रहना साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।